अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। हियर इज योर बुक ऑफ द ग्रामेट्री। सो लेट्स स्टार्ट ऑन टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, नाउंस जेंडर। नाउंस जेंडर, जेंडर मीन डियर स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऑफ नाउन। So we will discuss first of all in detail what we mean by gender. When we talk about the gender of nouns, we have to think about the about whether the noun refers to humans, animals or all living objects. कि जब हम gender के बारे में बात करते हैं, gender of noun, noun के gender के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो humans हैं, animals हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इन केस ऑफ ह्यूमन, मेल्स एंड फीमेल्स आर ऑलवेज रेफर टू डिफरेंटली। कि जब ह्यूमन्स होते हैं तो उसमें मेल्स और फीमेल्स को हम डिफरेंट वे से रेफर करते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स, द जेंडर मे आर मे नॉट बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। के बाज़ुकात ये होता है कि जब हम एनिमल्स को रेफर कर रहे हैं तो उसमें हम बाज़ुकात जेंडर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम नहीं भी शो करते या यूज़ नहीं करते कि वो जेंडर एनिमल्स वालों की, एनिमल्स की मेल है या फीमेल है। प्लांट्स ऑल दो लिविंग आर नॉट थॉट ऑफ एस मेल और फीमेल एंड आर ट्रीटेड लाइक ऑब्जेक्ट्स। कि प्लांट्स हमारे पास है तो लिविंग थिंग, लेकिन उसमें मेल या फीमेल की कैटेगरी हम मैंशन नहीं करते, तो उनको हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। We usually mention the gender of an animal when we are sure of it and when we are familiar with the animal itself। कि हम किसी भी एनिमल के जेंडर को तब इस्तेमाल करेंगे या तब उसको रेफर करेंगे जब हम उसके बारे में श्योर होंगे या हम उस एनिमल की एनिमल से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे, उसको पहचानते होंगे या जानते होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें जी, शी इज़ द मदर ऑफ दोज पपीज। शी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम यहाँ पे मेल सॉरी फीमेल कैट के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी फीमेल डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। पप्पीस है तो फीमेल डॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस नगल विद हर वैन दे स्लीप श्योर अबाउट दी जेंडर। हमें उसके जेंडर का पता है कि वो उन पप्पीस की माँ है, तो वो शी है, फीमेल है डॉग की। हम देखिए जी, द नेम ऑफ माई कैट इज़ एजमीटर्स, ही इज़ वेरी क्वाइट फैमिलियर विद द एनिमल। अब यहाँ पर फैमिलियर विद द एनिमल के एनिमल मतलब कि फैमिलियर विद द एनिमल्स से मीन्स ये है कि हम उस एनिमल के साथ बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं, या जिसने रेफर किया उस एनिमल को वो अच्छी तरह से फैमिलियर है कि जिस कैट के बारे में वो बात कर रहा है वो कैट उसकी ही है, मतलब कि मेल है, मेल कैट है। वो फीमेल कैट के बारे में बात कर रहा है, मेल कैट के बारे में बात करें। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर। नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 16। जेंडर, जेंडर मीन मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन में जो हमारे पास आगे आ रही है कैटेगरीज, उसमें है जी ह्यूमन मेल्स और मेल एनिमल्स, ह्यूमन मेल्स और मेल एनिमल्स। फेमिनाइन में देखें जी, ह्यूमन फीमेल्स और फीमेल एनिमल्स। नेक्स्ट आगे न्यूटर, न्यूटर में हमारे पास आ रहा है जी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स लिविंग नहीं हैं। एनिमल्स रेफर्ड टू जनरली, एनिमल्स को हम रेफर करेंगे न्यूट्रल जेंडर में। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज लाफ्टर, लाइट, काइंडनेस, कुछ ऑब्जेक्ट नाउन हैं जिनको हम न्यूट्रल जेंडर में भी जिनको न्यूट्रल जेंडर के थ्रू हम रेफर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जेंडर के बारे में डिस्कस किया कि जेंडर में हमारे पास मीन के मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन और न्यूटर। मैस्कुलाइन में हमारे पास कौन सी कैटेगरी आ रही है, फेमिनाइन में कौन सी है और न्यूटर जेंडर में कौन सी है। और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि एनिमल के जेंडर्स के बारे में हम तभी बात करेंगे जब हम एनिमल के बारे में या उस एनिमल के बारे में हमें श्योर होगा या उसके बारे में हम फैमिलियर होंगे, हम तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर ए आ रही है, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउंस एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कि हमें 10 सेंटेंसेस गिवन है, हमने क्या करना है जी, इन सेंटेंसेस के नाउन जो जेंडर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, कि जो नाउन और प्रोनाउन दिए गए हैं हमने इनको चेंज करना है
इनकी मतलब कि अगर किंग है तो हमने इसको क्वीन में चेंज कर देना है, ही है तो हमने उसको शी में चेंज कर देना है, हीज है तो उसको हमने हर में चेंज कर देना है। इसी तरह से करके हमने अपने टेंस सेंटेंसेस चेंज करने हैं। तो दिस क्वेश्चन जो हैव टू डू ऑन जो नोटबुक्स क्लासिक्स, मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको नोटबुक्स पे करेंगे। ये देखिए जी, चैप्टर नंबर 4, राइडर ऑन द टॉप ऑफ द पेज, नाउन्स, जेंडर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर ए है, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि गिवन सेंटेंसेस में जो नाउन और प्रोनाउंस हैं उनके जेंडर्स को हमने चेंज करना है। आंसर्स की मीन यहाँ पे मैंने आपको उसके आंसर्स दिए हैं। नंबर 1 सेंटेंस है हमारे पास जी, द किंग्स ब्राइड वॉज अ ब्यूटिफुल यंग वूमेन। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन में किया हुआ है, देखिए जब किंग्स ब्राइड को हम चेंज कर देंगे क्वींस ब्राइड ग्रूम, और वुमेन को हम चेंज कर देंगे मैन में। ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 2 है जी, द एम्परर रिसीव्ड द ड्यूक विद लिटिल रिस्पेक्ट। एम्परर को हम चेंज कर देंगे एम्प्रेस में, और ड्यूक को हम चेंज कर देंगे डचेस में। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से करके हमने तमाम सेंटेंसेस को रीराइट करना है। मैं आपको सारा पैटर्न साथ साथ बताती हूँ। सेंटेंस नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, अ जेंटलमैन इज नाउन बाय हिज मैनर्स। यहाँ पे हमने जेंटलमैन को चेंज करना है लेडी में, और हिज को हम चेंज करेंगे हर में। सेंटेंस नंबर 4, हर मदर गेव हर अ सूट ऑन हर बर्थडे। हर को हम रिप्लेस करेंगे हिज से, और मदर को रिप्लेस करेंगे फादर से, हर को रिप्लेस करेंगे हिम से, और अगेन हम हर को रिप्लेस कर देंगे हिज। हिज फादर गेव हिम अ सूट ऑन हिज बर्थडे। मीन के हमने नाउन जो प्रोनाउन जितने भी गिवन है वो उन सबको हमने रिप्लेस करके तो सेंटेंस को हमने रीराइट करना है। सेंटेंस नंबर 5 है जी, द लाइन बाउंडेड आउट ऑफ द केज एंड एस्केप। लाइन को हम रिप्लेस कर देंगे लायनेस से। ओके स्टूडेंट्स, हिज मदर इज अ लर्न्ड लेडी। हिज मदर को हम चेंज करेंगे हर फादर में, इज अ लर्न्ड लेडी को हम चेंज कर देंगे जेंटलमैन में। अ ब्रेव वॉरियर इज वन डैट फाइट फेयरलेसली फॉर हिज फादरलैंड। फॉर यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज करना है हिज फादरलैंड को, हर मदरलैंड में चेंज कर देंगे। अ ब्रेव वॉरियर इज वन डैट फाइट फेयरलेसली फॉर हर मदरलैंड। नेक्स्ट आ गया जी, द टीचर आस्क्स द बॉय टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गूस। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे वर्ड बॉय और गूस को। द टीचर आस्क्स द गर्ल, बॉय रिप्लेस विद गर्ल, टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ गूस को हम रिप्लेस कर देंगे घंटा। नेक्स्ट आ गया जी सेंटेंस नंबर 9, नॉट ओनली इज हिज मदर द चेयर पर्सन ऑफ द सिटीजन्स मोमेंट, शी इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द लोकल गर्ल्स स्कूल। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे हिज मदर, शी एंड गर्ल्स। नॉट ओनली इज हर फादर द चेयर पर्सन ऑफ द सिटीजन्स मोमेंट, ही विल बी रिप्लेस बाय, शी विल बी रिप्लेस बाय ही। ही इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द लोकल बॉयज स्कूल, लोकल बॉयज स्कूल। यहाँ पे देखिए हमने गर्ल्स को बॉयज में चेंज कर दिए। नेक्स्ट आगे देखें जी स्टूडेंट्स, ही थिंक्स डैट बीन रिच ही कैन गेट वॉट एवर ही वॉन्ट्स, के रिच होने के मतलब कि यहाँ पे हम सॉरी ट्रांसलेट नहीं करना इसको, जस्ट मैंने आपको इसमें जेंडर को चेंज करवाना है। ही को हम रिप्लेस कर देंगे तीनों जगह पे शी के साथ। शी थिंक्स डैट बीन रिच शी कैन गेट वॉट एवर शी वॉन्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इट जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया। हमने जेंडर के बारे में डिस्कस किया कि हम ह्यूमन जेंडर्स के लिए क्या रेफ़र करेंगे, और उसके बाद हम एनिमल्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए उसके बाद अभी हमने यूजेज का तो हमने डिस्कस किया। हमने जैसे इसमें डिस्कस किया ह्यूमन एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमारे पास जो जेंडर्स आ रही हैं वो कौन सी हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर है। देन हमने एक्सरसाइज नंबर 1 का सॉल्व किया, उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन जितने भी गिवन्स हैं उनकी जेंडर को हमने चेंज किया। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 9 में आप देखेंगे कि जो लास्ट पीस का सेंटेंस आ रहा है ऑफ द लोकल गर्ल्स स्कूल, तो मैंने जो आपको सेंटेंस लिख के दिखाया है नोटबुक पे उसमें आपने बॉयज़ को लाइक दिस लिखना है। जो फर्स्ट वन मैंने आपको शो किया था वो बाय मिस्टेक हो गया, इसको आप प्लूरल है तो हम इसके एस के ऊपर कॉमा लगाएंगे और एफ स्टॉप लगाएंगे, बॉय के बाद नहीं लगाएंगे, ठीक है, बॉयज स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ठीक कर लेंगे दोबारा। और जो एक्सरसाइज नंबर 1 आपने
आपने नोटबुक्स पे कंप्लीट करनी है और इसको लर्न भी करना है आपने साथ साथ. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.